नमस्कार दोस्तों, मैं सुजीत कुमार एडवांस एक्सेल ट्रेनिंग सेंटर से आपका स्वागत करता हूं इस यूट्यूब वीडियो ट्यूटोरियल में। और एक जो रिकॉर्डिंग हमारी है, ये हमारी ऑनलाइन रिकॉर्डिंग है जिसमें हम लोग गो टू मीटिंग के जरिए हम अभी क्लासेस ले रहे हैं, जिसमें अश्वनी कल संजय रवि क्लासेस ले रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन से। तो अभी हम क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं, आप देखते रहिए किस तरह से हम ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं, लाइव इंटरेक्टिव वन टू वन। और ये क्लासेज जो है हमारी ऑनलाइन लाइव चलती है, तो आप भी ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपने यूट्यूब वीडियो अगर देखते हैं हमारा, तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अपडेट्स मिलता रहे। तो देखिए कैसे ऑनलाइन क्लास लेते हैं। हेलो, हाँ संजय जी, सर मेरी कंप्यूटर स्क्रीन आपको दिख रही है? मेरी कंप्यूटर स्क्रीन आपको दिख रही है? ओके, तो अश्वनी जी एंड रवि जी, संजय जी हैं हमारे साथ एज ए डेमो क्लास, उन्होंने ज्वाइन किया है। और संजय जी ए रवि जी एंड सॉरी और अश्वनी जी हैं जिनका ये बैच है जो कि हमारे साथ डेली कंटिन्यू पढ़ रहे हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। बेसिकली हम कल इस क्लास में डिस्कशन किए थे कस्टम फॉर्मेटिंग के कुछ बेसिक कंडीशंस के बारे में, और हमने एक आर्टिकल पढ़ने के लिए दिया था आप लोगों को, तो मुझे आशा है कि वो आर्टिकल आप दोनों ने पढ़ लिया होगा। ओके, चलिए उस आर्टिकल के कुछ चीजों के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं आपके साथ। तो ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग का मतलब हुआ कि आप लिखना कुछ और चाहते हो और शो कुछ और करना चाहते हो। जब हम रिपोर्ट्स बनाते हैं, तो जब हम नंबर्स या टेक्स्ट कुछ ऐसा चीज लिखते हैं, तो हम चाहते हैं कि हम लिखे कुछ और दिखे कुछ और। हर एक चीज को लिखना नहीं चाहते हैं, लेकिन सारे चीजें दिखाना चाहते हैं। जैसे कि कल की एग्जाम्पल में हमने आपके साथ डिस्कस किया। एक सेकंड होल्ड कीजिएगा। हेलो जी, बोले शुभारी। ओपन, जब ओपन करते हैं तो उस समय फर्स्ट विंडो आता है ना, उसी से पता चलता है क्या है। अरे ओपन करते ही फो मिलता है सेव ने क्या है, या फिर आप इसमें माई सी ड्राइव में प्रोग्राम डेटा में जाओगे, ऑफिस देख ऑफिस के फोल्डर में, तो उसमें देखिए क्या लिखा हुआ है। ऑफिस 13 है, ऑफिस 14 है, ऑफिस 13 है, 14 है, इस तरह से उसका नसी एक्सटेंशन नंबर होता है। हाँ एक परेशान आत्मा कॉल किए थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए हम बात करते हैं अपने इसमें एक्सेल में, कि अब हम लोग क्या करते हैं कि मान लीजिए कि हमें अगर हमें साइज लिखना होता है, कभी कभी मान लीजिए एक्सेल में आप डेटा एंट्री कर रहे हैं और आपको साइज लिखना है, ठीक है? तो साइज तो जो नॉर्मली मीटर वगैरह में लिख सकते हो। संजय जी आपके बैकग्राउंड से शोर आ रहा था, तो मैंने म्यूट कर दिया है। कुछ पूछना हुआ तो आप अनम्यूट करके पूछ सकते हैं, आपके नाम के आगे रेड कलर का सिंबल होता है, इसे अनम्यूट कर सकते हैं। लेकिन मुझे लिखना होता है 5 इंच 9 सेंटीमीटर, ऐसा लिखते हुए आपने देखा होगा कहीं। तो हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कैसे लिए, क्योंकि ये सिर्फ प्रिंटिंग पर्पस के लिए है। तो मुझे 5 इंच 20 सेंटीमीटर लिखना है, 5 इंच 20 सेंटीमीटर, तो कैसे लिखे? तो हम चाहते हैं सिर्फ मैं 5 9 लिखूं, 5 2 0 लिखूं, और विजुअल जो है जैसा है वैसा हो जाए, क्योंकि तो बार बार सिंगल कोट या डबल कोट देने में कंफ्यूजन हम लोगों को हो जाती है। तो
हमने क्या किया कि हमने इस कॉलम को सिलेक्ट कर लिया और होम मेनू के अंदर हमारे पास नंबर या राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल पे चले जाएं, राइट क्लिक करें, फॉर्मेट सेल चले जाएं और यहां कस्टम पे मैं करता हूं 0 या हैश देना है तो हैश भी दे सकते हैं कि हैश सिंगल कोड एंड डबल 0 डबल कोड। अब यहां डबल कोड नहीं ले सकता क्योंकि डबल कोड यहां इसमें डालते हैं, टेक्स्ट में डालते हैं, तो यहां पे हम दो बार सिंगल कोड डाल देंगे तो फिर भी डबल कोड ही कहलाएगा। अब यहां पे मैं लिखता हूं 560 560 हो गया 56। ठीक है, अब यहां पे आगे 0 नहीं दिख रहा है ना, तो मुझे यहां क्योंकि हमने यहां हैश लगा दिया ना इसलिए, तो हैश की जगह 0 कर देंगे तो वही दिखेगा। ये चीज तो बहुत कम यूज होती है लेकिन मान लीजिए कि कल के डेट में हम लोग खासकर जब ये लगाते हैं चार्ट्स वगैरह लगाते हैं और कुछ और डेटा लगाते हैं, तो मान लीजिए कि यहाँ पे अमाउंट है, तो आप लोग टेंडर के पेपर में टेंडर ही पढ़ते होंगे कि अमाउंट इन 1000, तो मैं चाहता हूं कि अगर मैं यहां पे 25,000 लिखूं, रहे तो 25,000 ही बट सिर्फ दिखे 20K, ठीक है 20K, जैसे कि बहुत सारी जगहों पे आप देखते हैं। तो अगर हमने इसको सिलेक्ट किया और सिलेक्ट करने के बाद हम कस्टम पे चले गए और कस्टम पे जाने के बाद यहां पे हमने क्या किया, हैश एक बार कॉमा दे दिया और फिर यहां पे हम के या जो वर्ड लिखना चाहते हो वो वर्ड लिख दो उसके साथ लग जाए। इसका यूज हम लोग चार्ट्स में ज्यादा करते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि मैंने यहां पे लिख दिया मंथ और सेल्स, तो जैसे कि मंथ हो गया यहां पे मान लीजिए जैन फेब मार्च में यहां दे देता हूं और यहां पे संजय जी आपके बैकग्राउंड में शोर आ रहा है, रवि प्लीज म्यूट रखिए, शोर आता है शायद या फिर शांत जगह में बैठी है। और यहां पे मैं रैंड बिटवीन का कॉमा लगाता हूं जिससे मुझे हायर नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। अब इसको सिलेक्ट किया और मान लीजिए 4, अब प्रॉब्लम क्या है यहां पे देख रहे हैं ये जो सीक्वेंस है वो समझ नहीं पा रहे हैं क्या है, या फिर मान लीजिए राइट क्लिक करके हमने यहां पे दे दिया ऐड डेटा लेवल, हमने डेटा लेवल ऐड कर दिया तो ये ऊपर दिख रहा है, ये बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है कि कितना बड़ा वैल्यू, सिंपल सी बात। तो हम इसको राइट क्लिक करके यहाँ फॉर्मेट डेटा लेवल पर जाते हैं और यहाँ भी हमारे पास नंबर फॉर्मेट होता है, नंबर और यहां आप ऐड कर दीजिए कि एक हैश एंड कॉमा हमने ऐड कर दिया, यहां पे लिख दीजिए, लेकिन फिर भी क्या है कि काफी बड़ा हो, तो हम करोड़ में भी कर सकते हैं, तो करोड़ में करने के लिए 0.00 और फिर यहां पे डबल कॉमा करके यहां पे लिख दीजिए सी या करोड़,
या कुछ और लिखना चाहते हो, सकता है मैं गलत स्पेलिंग लिख रहा हूँ। तो अच्छा बेटर लग रहा है ना क्या सर? और पढ़ा भी जा रहा है। तो इस तरह के यूज हम अपने रिपोर्ट्स में करते हैं, मतलब कि ये समझा रहा हूं तो कल आप लोग को लग रहा होगा कि सर ऐसे ही सर बता रहे हैं क्या बेनिफिट होगा, लेकिन इस तरह की स्लाइडेशन हम हर जगह पे करते हैं। जैसे आप चार्ट पे हमने इंटीग्रेशन किया, कितना अच्छा होगा क्या? कौन सा एक्सेल है आपके ऑफिस, कौन सा है सॉरी विंडो कौन सा है आपके पास? विंडो 7 है तो थोड़ा सा अलग तरीका है, ऐसे विंडो 8 आपके पास है तो विंडो 8 या विंडो 10 में तो आप डायरेक्टली आप जो है रुपीज का सैंपल इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ करेंसी में जाके, करेंसी में आइए, यहाँ पे रुपीज का सैंपल आपको मिल जाएगा। सॉरी ये रहा ना, ठीक है सर आप डाल सकते हो, लेकिन ये जो है पार्ट है 2000 इसका क्या बोलते हैं 2000 सॉरी इससे एक्सेल के वर्जन से मतलब नहीं, इसको ये आपका विंडो का पार्ट होता है, फॉन्ट जो है विंडो का पार्ट होता है। तो ये फॉन्ट जो है आपका विंडो का पार्ट है, बात सुन लीजिए बिल्कुल। तो विंडो 8 और विंडो 10 में तो डिफॉल्ट है, अगर आपके पास विंडो 7 है तो विंडो 7 लॉन्च हुआ था 2009 के आसपास आई थिंक क्या, और हमारा करेंसी का सिंबल इंट्रोड्यूस कब हुआ है 2010 या 11 के आसपास, जाहिर सी बात है ओल्डर वर्जन में होगा नहीं। तो ओल्डर वर्जन में एक तरीका है कि आप इसमें इसका करेंसी कोड जो INR होता है वो इस्तेमाल कर सकते, INR को इस्तेमाल कर सकते, बट नहीं आप चाहते कि मुझे सैंपल भी इस्तेमाल करना है तो उसके लिए आपको सबसे पहले तो उसका फॉन्ट डाउनलोड करना होगा, क्योंकि बगैर फॉन्ट को डाउनलोड किए आप उसको वर्क तो नहीं कर सकते ना। संजय जी चीजें समझ में आ रही है आपको? कोई डाउट होगा तो पूछ लीजिएगा। तो सबसे पहले आप जो है गूगल पे जाएं और उसका फॉर्म डाउनलोड करें। रिपीट और किसी भी साइट से आप जो है इसका रुपीज का सिंबल डाउनलोड कर, और डाउनलोड करने के बाद इसको इंस्टॉल कर। ठीक है, और उसके बाद आप एक्सेल में जाएं और एक्सेल में जाने के बाद ये जो आपके वन से पहले सिंबल होता है उसको टाइप करके आप नंबर को टाइप करें, शायद आप नहीं देख पा रहे होंगे, मैं उसको जूम करता हूं। और इसके बाद जो वो सैंपल जो डाउनलोड किया है सैंपल रुपीज का वो यहाँ पे अप्लाई,
अप्लाई करना पड़ेगा। तो ये रुपीज का सिंबल जो है यहाँ पे फिलहाल तो मुझे नहीं दिख रहा है क्योंकि मैंने अभी तक एक्सेल को री ओपन नहीं किया हुआ है। एक्सेल री ओपन करूंगा तो फिर रुपीज का सिंबल जो है वो आ जाएगा। एक्चुअली डाउनलोड क्या किया था हमने, एक डाउनलोडिंग में देख लेते हैं उसका नाम रुपीज अंडरस्कोर। अब मैं एक्सेल रीओपन करूंगा ना तो आ जाएगा यहाँ पे। आप रुपीज अंडरस्कोर वो जो लगा रखा आपने वो फॉन्ट नेम है वो अप्लाई करेंगे आ जाएंगे। ठीक है सर, मुझे इसको वापस रीओपन करना पड़ेगा। बात समझ में आया कि नहीं यार सर? सिंपल है, इसे वेबसाइट पे भी दिखाया हुआ था। तो इस तरह से आप बिजनेस सिंबल लगा सकते हो। मैं दिखा दूं या फिर आपको समझ में आ गया? ठीक है, नहीं बोलोगे तो मैं फाइल सेव करके रीओपन करके दिखा भी दूंगा। मैं ये तो कर ही देता हूँ, सही रहेगा। आ गया ना रुपीज, आ गया लिखा है आपको यहाँ पे। तो इस तरह से रुपीज सिंबल, लेकिन प्रॉब्लम इज दैट कि इस पे आप किसी भी तरह की कैलकुलेशन नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमने इसको लिखने के लिए हमने यहाँ पे सिंगल कोड इस्तेमाल किया था, ये जो कोड था इस कोड को इस्तेमाल करके और फिर हमने लिखा था, तब जाके रुपीज का सिंबल यहाँ पे शो। बात समझ रहे हैं? और एक्सेल का रूल कहता है कि किसी भी नंबर के साथ अगर आपने टैक्स लगा दिया तो उस पर आप किसी भी तरह की कैलकुलेशंस को नहीं कर सकते। तो कैसे करें कि भाई एज ए रुपीज सिंबल दिखे, कि इससे पहले जो था यहाँ पे जो डिफॉल्ट था उसमें हम सब किया कर सकते थे, लेकिन जैसे बताया कि ये तो हमारा विंडो 8 का वर्जन है, विंडो 8 का पार्ट है, तो हम ऐसा कर सकते हैं। कि विंडो 7 में कैसे करें क्या? तो विंडो 7 में आप क्या करें कि आप अमाउंट पहले लिख दें और यहाँ पे भी हम कस्टम फॉर्मेटिंग का इस्तेमाल करेंगे, और जो वो जो जो कोई था वो साइन था, उसको साइन का नाम मुझे पता नहीं क्या कहते हैं, उस साइन को यहाँ पे डालें और 00 या हैश हैश आप लगा दें। आइए अब इसके ऊपर वो रुपीज का जो फॉन्ट है, उस रुपीज का फॉन्ट जो मैंने डाउनलोड किया है उसको यहाँ पे अपलोड, तो अब कैलकुलेशन भी होगी और विजुअल भी होगी। बट वही है कि हर सुबह पे फॉन्ट अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है सर, चलिए अगली एग्जाम्पल देखते हैं। अगला एग्जाम्पल है कि मैं यहां पे मान लीजिए कि मैं यहां पे कंपनी नेम लिख रहा हूं, कंपनी नेम। तो प्रॉब्लम क्या है कि कंपनी नेम में हमेशा एम स्लैश एस लगा के कंपनी नेम लिखना पड़ता है। मैं जब एम स्लैश एस में थोड़ा सा दिक्कत होता है टाइप करने में, मैं एम स्लैश एस ऑटोमेटिकली लग जाना चाहिए। तो उस केस में आप, जैसे कि मैंने कल बताया था कि जीरो और हैश नंबर के लिए होते हैं और एट द रेट जो होता है वो टेक्स्ट के लिए होता है।
तो यहां पे हम इन्वर्टेड कॉमा में एम स्लैश एस लगाएंगे पहले, क्योंकि मुझे पहले चाहिए, और उसके बाद स्पेस देके एट द रेट जो है यहां पे दे दो। अब मैं कोई भी कंपनी का नाम लिखूंगा, एंटर मारते एम स्लैश एस ऑटोमेटिकली लगाएगा, लेकिन सिर्फ प्रिंटिंग पर्पस, ओरिजिनल आईपीटी है। ऐसे एड्रेस वगैरह है आपका, तो एड्रेस आप किसी के एड्रेस की प्रिंट आउट आपको निकालनी है, लिख के या कुछ ऐसा करना है, और मान लीजिए ना कि लास्ट के जो वर्ड है, मान लीजिए एक एरिया के दे रहे हो, तो आपको हमेशा दिल्ली खानपुर न्यू दिल्ली लिखना पड़ जाता है हर एड्रेस के अंदर। तो बार बार लिखने की जगह आप यहाँ पे ये कर सकते हैं कि पहले एट द रेट, क्योंकि मुझे एड्रेस के बाद लगाना है कि खानपुर न्यू दिल्ली 11062। अब मुझे क्या करना है, सिर्फ यहाँ पे कॉलोनी का नंबर समझ गए, इसका इस्तेमाल कर। या फिर कभी कभी जैसे कि हम लोग, मैंने क्या किया था, चेक प्रिंटिंग का एक बनाया था, एक फॉर्मेट बनाया था, उसमें दिक्कत क्या था कि जब हम चेक प्रिंट करते थे तो उसका ये मतलब कि अमाउंट तो लिखते थे, अमाउंट में एक ब्लैंक स्पेस आया था, जैसे कि आप डीटी वगैरह बनाते समय देखते होंगे जो ब्लैंक स्पेस आता था उसके वो लोग स्टार लगा देते। तो मैंने चाहता जो ब्लैंक स्पेस हो उस पर ऑटोमेटिक स्टार आ गया, जिसमें गैप बचा हुआ है, जगह बचा हुआ है। तो उस केस में भी हमने कस्टम फॉर्मेटिंग का हेल्प लिया था, यहाँ पे क्या, और हमने यहाँ पे सॉरी एट द रेट लगाया, स्टार दो बार स्टार लगाया एंड ओके कर दिया। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि इसको आपको टेक्स्ट में लिखना पड़ेगा। पहले आ गया, अब मैं चाहता नहीं बाद में आया, मैं चाहता हूँ पहले आ, तो पहले के लिए वही ऑप्शंस हैं कि ए जो स्टार हमने इधर लगाया है, ए स्टार स्टार दो बार इधर लगाइए, आगे आ जाएगा, ठीक है। अब डेट की बात कर लेते हैं, अगर मान लीजिए कि अगर कोई डेट आप यहाँ पर लिखते हैं, मैंने यहाँ पे 25 जून लिखा है, तो डिफॉल्ट डेट ये आता है, या फिर आप अपने हिसाब से डेट यहाँ से जाके चूज कर लेते हो, लेकिन मैं खुद का डेट बनाना चाहता हूँ, तो कस्टम फॉर्मेटिंग में कोड होता है DDMM2YY, मतलब कि डी सेग्रीगेट करता है डेट को, एम सेग्रीगेट करता है मंथ को, एंड वाई सेग्रीगेट करता है ईयर को। आप इसमें देखिए ऊपर देखिए यहाँ बताएगा, अगर एक मार्क डी मैं लिख दूं तो ये एक दो तीन चार ऐसे डेट को शो करेगा, जो जिस जो डेट यहाँ लिखी है उसकी डे को शो करेगा। दो बार लिख दूंगा तो 012 के फॉर्मेट पे चलेगा, तो 1 होगा तो 01 दिखेगा। तीन बार दे दूं तो उसका वीक नेम संडे मंडे को शॉर्ट में दिखाएगा, और चार बार दे दूं, चार से ज्यादा बार दे दूं संडे मंडे कंप्लीट दिखाएगा फुल नेम के साथ। सेम उसी तरह से मंथ M 123 के फॉर्मेट में, डबल M 012 के फॉर्मेट में, ट्रिपल M उसका फर्स्ट नेम जो है, मतलब ये शॉर्ट नेम जो है इस तरह से आएगा, ठीक है। और चार बार कर देंगे तो कंप्लीट, पांच बार कर देंगे और पांच बार करेंगे सिर्फ नेम आएगा, ऐसे वाई वाई। अब इसको आप अपने हिसाब से जिस तरीके से आगे पीछे के साथ या डैश के साथ कॉमा के साथ स्लैश के साथ लिखना है, लिख के आप अपने लिए डेट बना सकते हैं। ऐसे टाइम के लिए होता है कि टाइम जब लिखते हैं तो टाइम ही हुआ,
और एक्सेल में आप अगर जाओगे इसको कस्टम, मतलब कि अगर इसकी टाइम की फॉर्मेट चेंज करना चाहते हो तो टाइम में ऑलरेडी फॉर्मेट तो है ही, लेकिन कस्टम में आप जो है HH MM SS, या देखिए HH MM SS और AMPM किस तरह से लिख सकते हो, यहां से आप एक कोड डाल के अपना चेंज कर सकते हो। लेकिन इसका एक और बेनिफिट होता है, जैसे मान लीजिए किसी का मैंने डिफरेंस निकाला हुआ है कि भाई किसी ने ओवर टाइम जो है 520 घंटे किया हुआ है, 520 घंटे। अब मुझे 520 घंटे, या मान लीजिए कि इसको मिनट में कन्वर्ट करना है, या मान लीजिए कि 25 घंटे या 36 घंटे किसी ने ओवर टाइम किया है, इसको मिनट में कन्वर्ट करना, तो इसके लिए सिंपल आप कस्टम फॉर्मेटिंग में जाएं और इसको बड़ी ब्रैकेट में, मिनट है तो एम, सेकेंड है तो एस लिख दीजिए कन्वर्ट। लेकिन विजुअल है, लेकिन मैं चाहता हूँ ओरिजिनली कन्वर्ट हो, तो यू कैन यूज फॉर्मूला कौन सा, टेक्स्ट, और इन्वर्टेड कॉमा में मैंने इसको एम लिख दिया, तो ये मिनट में कन्वर्ट हो गया, 36 घंटा जो है 360 मिनट। तो क्योंकि बहुत सारे कंपनीज में ओवर टाइम वगैरह बाकी चीजें मिनट पे कैलकुलेट होते हैं, तो यहाँ आप देख सकते हैं। ठीक है सर, नहीं रैंडम करना था कैसे कर पाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, इसकी रिकॉर्डिंग मैं डाल देता हूँ, आपको मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा मैं इस वीडियो को मैंने यूट्यूब पे डाल दिया है, आप देख लीजिए, कल वाले वीडियो में यूट्यूब पे डाला है अभी थोड़ा देर पहले, तो कल वाले वीडियो तो यूट्यूब से डाउनलोड कर लीजिए, बाकी ड्राइव में मैं अपडेट कर देता हूँ। ठीक है, ओके बाय। तो दोस्तों देखा किस तरीके से अभी मैंने अश्वनी जी एंड रवि जी ज्वाइन किए मेरे साथ लाइव इंटरेक्टिव 1-to-1। आप भी चाहो तो इसको ज्वाइन कर सकते हो, अगर आप चाहते हो कि डेमो लेना चाहे तो डेमो ले सकते हो, यूट्यूब से चाहिए तो आप सीखते ही हो, लेकिन यूट्यूब से आप एक्सपर्ट नहीं बनोगे क्योंकि गुरु बगैर ज्ञान नहीं होता है, एक कहावत है। तो आप लोग अगर मेरे साथ लाइव पढ़ना चाहते हैं इंटरेक्टिव 1-to-1, तो मैं आपको पढ़ाने को तैयार हूँ। अगर आपको शक है कि ऑनलाइन क्लास कैसे होता है, तो आप मेरी यहाँ पे डेमो क्लासेस को ज्वाइन कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा। तो इसी तरह से वीडियो को देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को पॉपुलर व्हाट्सएप फेसबुक के जरिए करने की कोशिश कीजिए, और कुछ भी डाउट हो तो कॉल कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।